हिंदू राष्ट्र में सबको समान अवसर था, तो फिर क्यों कहा दीनदयाल उपाध्याय ने कि अगर अछूतों को नागरिकता मिली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे? क्यों कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने कि तेली तमेली और क्या कहते हैं कहार काछी और ये यादव ये तो मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभते हैं? क्यों कहा? इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये देश की करोड़ों जनता को हिंदू राष्ट्र में अपना दास बनाएंगे, अपना सेवक बनाएंगे, नौकरी करवाएंगे और गुलाम बना के रखेंगे, और जब वो अपनी कहेंगी मजदूरी दो हमारे काम का मेहनताना दो तो लात मार के उनको भगा देंगे। यानी कि ब्राह्मण के लड़के को 12 वर्ष का लड़का भी एक शूद्र समाज का 80 वर्ष का बुजुर्ग सलाम ठोकता हुआ रहे, पैरों में पैर छुए, पाएं लागू पंडित जी कहता रहे, तो ये ऐसा राष्ट्र चाहते हैं? ऐसे राष्ट्र में देश की जनता का हित नहीं है, ये ब्राह्मणों का हित है, और ये हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं। वो मुख से पैदा होकर के आज उनका एक भी बच्चा मुंह से पैदा क्यों नहीं हो रहा? अगर वो मुख से पैदा हुए थे तो उनके बच्चों की डिलीवरी मुंह से क्यों नहीं हो रही? क्या साइंस आज भी इतना कुछ कर रही है कि साइंस ने एक जगह की जगह दूसरी जगह से बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया ढूंढ ली है कि हाँ सर्जरी से सिजेरियन बच्चे आजकल हो रहे हैं? देखिए नेचुरल जो डिलीवरी होती है उसकी जगह अब साइंस ने कह दिया कि सिजेरियन बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन आज तक ये क्यों नहीं बता साबित कर पा रहे? साइंस ने तो साबित कर दिया, अगर साइंस साबित कर सकता तो ये क्यों नहीं साबित कर रहे? ये भी साबित करें और हम लोगों को हम मान लेंगे। हम मानने को कब मना करते हैं? हम हर बात मानने को तैयार है, लेकिन तथ्य पर आधारित तो हो, सच तो हो, वो इतना तो कोरा झूठ ना हो कि दिमाग छोटा सा बच्चा भी अगर सुने तो वो भी हंस पड़े। देखिए वो ग्रंथ नहीं है, पहले आपको मैं भी बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है कि रामायण रामचरित और मनुस्मृति ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हिंदी और संस्कृत साहित्य है। ठीक है, संस्कृत साहित्य अगर कोई कहता है कि ये धर्म ग्रंथ है और आपके ऊपर FIR करते हैं तो आप उल्टा उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहकर खाई जाती है गीता की, तो आने दो कसम वो गलत खाई जाती है, वो गलत खाई जाती है, क्योंकि व्यवस्था के ऊपर वो बैठे थे, उन्होंने गीता रख दी आगे, संविधान से न्याय हो रहा है, कानून से न्याय हो रहा है और कसम गीता की खिलवा रहे हैं। क्यों उस गीता की कसम खिलवा रहे हैं जिस गीता में क्या कहते हैं पांडव अपनी पत्नी हार जाते हैं, जुए में हार जाते हैं, इस हद तक जुआ खेलते हैं कि सारी संपत्ति धन जेवर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और लास्ट में आकर अपनी बीवी लगा देते हैं, और हारे तो हारो उसके बाद कहते हैं कि अब हम युद्ध करेंगे वापस छीनने के लिए। तो ऐसे ऐसे एक परिवार के मसले को, एक परिवार का जो झगड़ा था उसको धर्म ग्रंथ बता दिया और लोगों से कहा कि इस पर हाथ रख के, किसने कहा कि इस पर हाथ रख के कसम खाओ? क्योंकि ये कानून व्यवस्था में पहले से ऊपर बैठे थे, जब यहाँ से अंग्रेज गए तो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में सत्ता हथिया ली और ब्राह्मणों ने अपने हाथ में सत्ता हथिया कर आम जनता को वही बताया जो इनके फायदे में था। तो हिंदू विचारधारा का संस्थापक कौन है उनका नाम बता दीजिए, हम भी मान लेंगे कि हिंदू कोई धर्म है। सबसे पुराना धर्म बताया जाता है सनातन धर्म, जो सभी धर्म उसी से बने हैं, सनातन से हिंदू धर्म से। इनकी जितने धर्म ग्रंथ है वो तो तब लिखे गए, ये बताओ अगर पुराने हैं तो मुझे स्याही कलम के आविष्कार से पहले तुम्हारे धर्म कहाँ थे? ये सारे धर्म ग्रंथ कहाँ हैं? सारे धर्म ग्रंथ तब लिखे गए जब चाइना ने कागज का आविष्कार किया। आविष्कार वो करता है चाइना, और ये चाइना का विरोध करके अपने धर्म ग्रंथ उसकी स्याही से आप उसके कागज पर लिख करके कहते हैं कि हम चाइना का विरोध करते हैं। मुझे ये बताइए कि कागज का आविष्कार आप लोगों ने कौन सी सदी में किया, इससे पहले चाइना से पहले? आप पुराना तो बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते कितना पुराना। कोई भी दादा परदादा कितने भी कोई होगा तो उसका हर किसी का इतिहास होता है, तुम्हारा इतिहास क्यों नहीं है? तुम्हारी जो सभ्यताएं थी वो कहाँ है? आज भी भारत के अंदर मोहनजोदाड़ो सभ्यता मिल जाएगी उखाड़ने से, उसके अवशेष मिल जाएंगे, हड़प्पा की मिल जाएगी। तुम्हारी वैदिक संस्कृति का कहाँ है? तुम्हारे वैदिक संस्कृति के मकान कहाँ हैं? वैदिक संस्कृति के सोच कहाँ हैं? वैदिक संस्कृति के लोग कहाँ हैं? तुमने अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए इंसानियत का सत्यानाश किया है, और ये इंसानियत का सत्यानाश बहुत लंबे समय तक कर दिया। अब ये जो समय चल रहा है अब कम से कम बख्श दो। अगर बराबर करने का राष्ट्र बनाना चाहते हो तो हम भी साथ हैं, लेकिन गैर बराबरी नहीं चलेगी, दोगलापन नहीं चलेगा। तुम ऊपर बैठो, शूद्र को नीचे रखो और कहोगे तुम्हारा दास है गुलाम है, अब ये नहीं चलेगा। बहुत तुम लोगों ने लंबे समय तक चलाया, पर अब देश की जनता जागरूक हो रही है, वो ऐसा नहीं करने देगी। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग इन्होंने रखी है ये बिल्कुल देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और समानता के खिलाफ है, क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान सबको बराबरी की बात करता है। हिंदू राष्ट्र में केवल और केवल ब्राह्मण के पास अधिकार रहेंगे, ब्राह्मण स्ट्रोंग होगा, और संविधान के राष्ट्र में पूरे देश की जनता स्ट्रोंग होगी, पूरे देश की जनता मजबूत होगी, सबको समान अवसर मिलेंगे और समान अधिकार मिलेंगे।
हिंदू राष्ट्र में सबकी समान तरक्की थी तो फिर संविधान से पहले शूद्र क्यों नहीं पढ़ पाए, संविधान से पहले स्त्रियां क्यों नहीं पढ़ पाईं? अगर संविधान नहीं होता और हिंदू राष्ट्र की अगर ये बात कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र तो पहले से था इनके पास। सब लोग जितने भी यहाँ पर शूद्र थे, दलित थे, अछूत थे, सभी हिंदुओं में गिनती की जाती थी उनकी। सभी हिंदू होकर के ब्राह्मण की सेवा करते थे। आज जब ब्राह्मण कह रहा है कि सब समान होंगे तो क्यों नहीं 1947 से पहले सबको समानता दी? क्यों मंदिर में घुसने से पीटा जाता था, आज भी पीटा जाता है? क्यों ये क्या कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़ना पड़ा? अगर और ब्राह्मणों की शातिराना तरीके से ही ये अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर हमने कहा कि हम ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे तो कोई साथ नहीं देगा। इसलिए इन्होंने बहुत होशियारी के साथ में देश की आम जनता को, भोली जनता को, कमजोर लोगों को, जो अभी नहीं जानते इनके षड्यंत्र को, वो षड्यंत्र को ना जान जाए इसलिए कहता है कि हम हिंदू का राष्ट्र बनाएंगे। जब हिंदू की परिभाषा पूछने लग जाते हैं तो वो कहता है कि हम सनातन का राष्ट्र बनाएंगे। अब ये समझ में नहीं आता कि सनातन का राष्ट्र बनाएंगे या हिंदू का राष्ट्र बनाएंगे। अरे सारे झगड़े खत्म करो, लोगों को क्यों कन्फ्यूज कर रहे हो? जो इनके भक्त हैं, फॉलो इनके साथ अंधभक्ति में जुड़े हुए हैं, वो भी कन्फ्यूज होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या सनातन का राष्ट्र बनेगा। एक बार में कह दो ना कि सारे लोग ब्राह्मण बनाएंगे, हम सबको ब्राह्मण बनाएंगे, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, बराबरी से रहेंगे, सारा भाईचारा रहेगा देश के अंदर, हम एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, जातीय के आधार पर शोषण नहीं होगा। जब सब ब्राह्मण हो जाएंगे तो सब बराबर हो जाएंगे। देखिए संविधान कहता है कि हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, सेक्युलरिज्म की बात करता है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ जो है वो यही है कि ये कोई भी धार्मिक नाम से राष्ट्र नहीं बन सकता। और धार्मिक नाम से यदि राष्ट्र कोई बनाने की बात कर रहा तो संविधान के विरुद्ध बात कर रहा, वो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। वो देश की आम जनता, आम गरीब नागरिक जो पीछे खड़े हुए लाइन में लोग हैं, उनके हक अधिकार जो उनको मिल रहे हैं वो उनसे नफरत करते हैं, वो उनसे जलन करते हैं, वो चिढ़ते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो गरीब आदमी हमारा घर में झाड़ू पोंछा करता था वो आज संविधान की बदौलत पढ़ लिख करके नौकरी करके हमारी बगल में अपना मकान बना रहा है, अब वो हमारे घर में झाड़ू पोंछा नहीं करता, अब वो हमारे घर में जी हुजूरी नहीं करता, अब वो हमारे खेतों में बेगारी नहीं करता, वो अपने खेत खरीद रहा। तो वो ये जवाब से बहुत जलन है, बहुत उनको क्लस है कि ये लोग क्यों यहाँ आ गए। और संविधान जब कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा और कोई भी राज्य यहाँ पर धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, और सारे धर्मों को वो कहते हैं कि यहाँ पर बराबर का सम्मान है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ईसाई को नकार सकते हो, यहाँ पर जैनी भी रहते हैं, यहाँ बौद्धिस्ट भी रहते हैं, यहाँ पर पारसी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियन रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, लगभग और अन्य 7 से 8 धर्म यहाँ पर रहते हैं, तो आप क्या उन सबको, सारे धर्मों को नकार देंगे? क्या भारत का संविधान उन लोगों को समानता देता है जैसे ही आपको समानता देता है? इसका मतलब केवल आप अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं और बाकी सारे धर्मों के साथ आप अत्याचार और शोषण वाली जो आपकी पुरानी प्रक्रिया है वो लागू करके रखना चाहते हैं। वो संविधान को मानते कहाँ हैं भैया? वो संविधान को अगर मानते तो उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। संविधान अपने आप में इतना खूबसूरत ग्रंथ है, अपने आप में इतनी अच्छी किताब है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, पूरी दुनिया के अंदर इतना प्योर, इतना क्लियर लिखा हुआ संविधान किसी भी देश के अंदर, इतना बड़ा लोकतांत्रिक संविधान नहीं है। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत किताब और इससे ज़्यादा खूबसूरत ग्रंथ तो कोई हो ही नहीं सकता, जिसमें कहा जाता है कि न्याय व्यवस्था, न्याय सभी के लिए समान है, जिसमें कहा जाता है कि अवसर सभी के लिए समान है, कोई जाति के आधार पर ऊपर नहीं जाएगा, लिंग भेद नहीं होगा। लिंग भेद की बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही, और लिंग भेद पर आधारित जो हिंदू धर्म था उसमें उन्होंने हिंदू कोड बिल लिख के महिलाओं को स्पेशल अधिकार दिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद कहते हैं कि अगर ये लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं रहे, अगर लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो ये संविधान को गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर नीयत अच्छी होगी तो ये संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत ग्रंथ माना जाएगा। और वास्तव में ये सबसे खूबसूरत ग्रंथ है, क्योंकि अगर भारत में बात करें तो आर्टिकल 13 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आज से जब से संविधान लागू होता है तब से जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं, यानी कि शून्य हो जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, ना ही ये धार्मिक रहते हैं, ना ही ये ग्रंथ रहते हैं, ना ही इनकी कोई वैल्यू होती है, ना इनके राज्य जो अपने अपने कानून, राजा महाराजा अपने अपने कानून लागू रखते थे अपनी जनता पर, अपनी प्रजा पर, आज से वो सारे कानून खत्म होते हैं और जो संविधान में बने कानून हैं ये सारी जनता पर लागू होते हैं, वो राज्यों पर भी लागू होते हैं, वो सरकारों पर भी लागू होते हैं, और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये किस बात की बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म की बात अगर कर रहे हैं, भावनाओं की बात अगर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो भावना तुम हाथ कर रहे हो, देश की 130 करोड़ 140 करोड़ आबादी की भावना संविधान के अंदर है। तुम ब्राह्मणों की भावना इनके अंदर हो सकती है क्योंकि तुमने ये लिखा है और तुमने अपने आप को उसमें मालिक लिखा है, बाकी लोगों को नौकर लिखा है, तो इसलिए तुम्हारी भावना उसमें हो सकती है, लेकिन देश की जनता का जो सम्मान है, स्वाभिमान है, जो अवसर है, जो न्याय है, वो भारतीय संविधान में, इसलिए देश की 140 करोड़ की जनता की जो भावना है उसको ये लगातार आहत करते हैं। आप हिंदू धर्म का विरोध क्यों करते हो? देखिए हम किसी का विरोध नहीं करते, हम सही तथ्यों के सामने लोगों को लेकर आते हैं।
पे सामना कराते कि ये सच्चाई है, विरोध वो हमारा करते हैं, हमें इतनी फुर्सती नहीं है। अभी तो संविधान इतना विशाल काय ग्रंथ है कि अगर हम उसको पढ़ने बैठेंगे, उसको समझाने बैठेंगे तो एक एक आर्टिकल में लगभग 4-4, 5-5 दिन लग जाएंगे, एक एक महीना भी लग सकता है। तो अभी तो हमें अभी पढ़ करके लोगों को बताने में ही टाइम लग रहा है। ये विरोध करने आते, हम विरोध नहीं करते। हमने आज तक, आप बताइए, हमारे किसी भी सोशल अकाउंट पर गाली बताइए हमने लिखी हो, वो हमें उल्टी अनेकों गालियाँ लिखते हैं। आज तक बताइए कोई अभद्र भाषा हमने की हो, हमने सिर्फ सवाल खड़े किए हैं। अगर ऐसा है तो इसका रीजन क्या है? अगर हनुमान ने क्या कहते हैं सूर्य को निकला, तो कई हजार किलोमीटर, लाख किलोमीटर दूरी पर जाकर के हनुमान कितने दिन में जाकर के उड़कर गया? युग की बातें हैं ना वो, तो युग अगर बात तो बात है ना, तो सत्य करो ना। कोई से भी युग की बात हो, मान लो डायनासोर की बात, आज तक डायनासोर के कंकाल हैं, हजारों वर्ष पुराने। जब डायनासोर के कंकाल मिल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कंकाल मिल सकते हैं, मोहनजोदाड़ो सभ्यता के क्या कहते हैं अवशेष मिल सकते हैं, नगर मिल सकते हैं, नहाने के स्नानागार मिल सकते हैं और नालियां मिल सकते हैं, मतलब हर चीज पर उस पर रिसर्च की जा सकती है। तो फिर इनके किसी भी हनुमान ने आज तक साबित क्यों नहीं करके दिखाया? हम बस इतना कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है ना, साबित किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। राम मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देता तो राम मंदिर नहीं बनता। तो और सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के इंतजार में राम मंदिर बैठा रहा, अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देता तो राम मंदिर नहीं बनता। तो इसका मतलब भगवान पावरफुल नहीं है, न्याय व्यवस्था पावरफुल है, कानून पावरफुल है। और कानून को पावरफुल ना पावरफुल देख करके ब्राह्मणों की जो नाक में दम हो चुका है कि वो अपना कानून चलाते थे, वो अपने आप कुछ भी अपराध करते थे तो उनके अपराध पर कोई सजा नहीं थी। और वो वैसा राज चाहते हैं कि हम कोई भी अपराध करें और हमें कोई सजा ना हो, हम किसी को भी अबे तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब गाली दे करके बात करें और वो सर झुका करके पाएं लागू पंडित जी कहता रहे। सम्मान देने में क्या दिक्कत है? तो हम तो कह रहे हैं ना, हम उनको सम्मान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या वो हमें सम्मान देने के लिए तैयार हैं? वो इंसानों की भावनाओं से खेलते हैं इन ग्रंथों के नाम पर, उनके अधिकारों से खेलते हैं, उनकी महिलाओं की अस्मिता से खेलते हैं। अभी आपको पता है गुजरात में क्या हुआ? कई एकड़ जमीन जो है एक बाबा ने गौशाला के नाम पर एक उससे ली, किसान से, उसने दान कर दी। उसके बाद बाबा ने कई करोड़ रुपए में वो जमीन बिल्डर को बेच दी, बिल्डर ने आज उस पर एक सोसाइटी बना दी। बताइए, तो जिसको धन धंधा मिल रहा है, जिसको रोजगार मिल रहा है, वो अपने रोजगार की दुकान को क्यों खराब होने देगा? आप बताइए, क्या आपकी छोटी सी भी दुकान होगी तो आप टूटने दोगे? अगर 10 साल पहले बनाई होगी तो भी नहीं टूटने दोगे, इन्होंने तो हजारों साल पहले से ही व्यवस्था बनाई हुई। यूपी में धर्म के लिए तो को मकान तोड़े जा रहे हैं, अयोध्या में, काशी में। देखिए, जब जब सत्ता के दिमाग पर धर्म का नशा चढ़ा है, तब तब राज्यों का, देश का सत्यानाश हुआ है। और आज सरकारों के दिमाग पर धर्म का नशा चढ़ चुका है, और धर्म का नशा इंसानियत के लिए, मानवता के लिए एकदम घातक है। इतना घातक है कि आज आप देख लो कि परिवारों के परिवार जल रहे हैं। अभी एक ब्राह्मण परिवार जला, एक ब्राह्मण परिवार, एक बच्ची, एक पिता, एक माँ, तीन लोग घर के अंदर पूरे जला दिए गए और उनके कंकाल वहाँ राख में पड़े हुए हैं। और वो घर का परिवार जो बचे हुए लोग हैं जिंदा, वो बिलख बिलख कर रो रहे हैं। तो जब धर्म का नशा चढ़ता है ना, तो वो सनक बन जाता है, और जब शासक सनकी हो जाए तो आम जनता का जीवन दुभर हो जाता है। फिर उसका अंत जो होता है ना, हिटलर की तरह होता है, मुसोलिनी की तरह होता है। तो ये अपने अंत को उधर लेकर जा रहे हैं, जनता की हाँ ले रहे हैं, जनता की हाय ले रहे हैं, जनता के दुखों को, दर्दों को तड़पा तड़पा करके अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे हैं। आपको जनता के ऊपर सत्ता करनी है या जनता के लिए सत्ता करनी है, पहले तो ये साबित करना पड़ेगा। आज के शासक जो धर्म के नशे में चूर हैं, वो जनता के लिए सत्ता नहीं कर, शासन नहीं चला रहे हैं, वो जनता के ऊपर शासन चला रहे हैं, धर्म को मजबूत कर रहे हैं। वो मानवता को मजबूत करो ना, जरूरत क्या है धर्म को मजबूत करने की? धर्म स्वतः मजबूत हो जाएगा। मानवता को मजबूत करो, न्याय व्यवस्था को मजबूत करो। मध्य प्रदेश में हर जिले में कथाएं हो रही है बड़े पैमाने पर, गुंडे बदमाश सारे खुले घूम रहे हैं। जितने बदमाश, जितने जेलों के फरार लोग, वो अपराधी टाइप के लोग जो जेलों से भाग जाते हैं, जिनको जो है छुपने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं, कथावाचक बन जाते हैं। ज्यादातर बाबाओं का यही रिकॉर्ड रहा है, ज्यादातर बाबाओं की यही हिस्ट्री रही है कि वो कथाओं में जब जाते हैं, जब उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचता है। खुद अभी क्या कहते हैं, जितने बाबा हैं, खुद अपने आप से और उनकी हिस्ट्री से ये आप पढ़ करके बता दीजिए कि कितने बाबा जेलों में पड़े और कितने बाबाओं की जेल जाने की तैयारी है। तो सरकारों का हाथ इनके ऊपर रहता है, अन्यथा ये जेलों में सड़े, इनकी बाहर जाके कोई, ये औरतों के प्रति बेहद घटिया सोच रखते हैं, ये देश के जो गरीब लोग हैं उनके प्रति घटिया सोच रखते हैं, ये खुले आम जो जातिवाद फैलाते हैं, ये खुले आम जो स्त्रियों को ताड़ने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान है? ज्ञान तो वो होता है जो बुद्ध ने दिया, ज्ञान तो वो है जो कहता है मानव मानव में प्रेम करो, ज्ञान वो होता है जो कहता है कि आप एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को सम्मान देने के मन में विचार रखो, ना कि किसी को गिराने की बात करो। और ये कहते हैं कि भैया हम सबसे ऊंचे हैं और हम क्योंकि मुंह से पैदा हुए हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कोई बच्चा मुंह से पैदा होता हुआ, ये कहां कैसे मुंह से पैदा,
गए। अभी तक तो ये यही साबित नहीं कर पा रहे कि ये मुंह से पैदा हुए हैं। अभी तक जब इनसे धर्म की बात कर लो कि धर्म, हिंदू धर्म का क्या इतिहास है, हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है, हिंदू धर्म को कितने लोगों ने शुरू में चलाया, जैसे हर धर्म का होता है कि 4 फॉलोवर थे वो चले, बुद्ध के 5 अनुयायी बने थे, जो 5 भिक्षु बने उन्होंने पूरे देश में पूरी दुनिया में भिक्षा मांग मांग के उन्होंने क्या कहते हैं धम्म दे करके लोगों में विचार फैला दिया, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म पहुंच गया। ऐसे ही इस्लाम धर्म है, ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म है, उनके लोगों ने उनके मार्क्स के खुद 14 फॉलोवर थे, 14 फॉलोवर पूरे विश्व में गए। हर विचारधारा का एक संस्थापक होता है। अब कम से कम इंसानियत को बख्श दो, अब ये आपस में एक साथ होकर के चलो, प्रेम से चलो। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान हम बार बार बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भारतीय संविधान जितना हक हमें देता है इतना आपको भी देता है। ये नहीं कहता कि भारतीय संविधान दलित अछूतों को क्या कहते हैं राजा बनने का हक देता और तुम्हें वोट डालने का भी हक नहीं देता। एक वोट हमारा एक वोट तुम्हारा, तो इसमें बराबरी हो गई ना, ये अन्याय कहाँ हो गया। और फिर भी नफरत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर से।